अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 10th क्लास पीएसटी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बाय उस्मानी दी एजुकेशन सेंटर। अब आप कहेंगे मिस न्यूमेरिकल आपने कहाँ से अरेंज कर दिए। बेटा ये वही न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने आप लोगों को सॉल्व नोट शेयर किए थे पीएसटी के 10th क्लास के। तो बेसिकली ये टेक्स्ट बुक के ही एमसीक्यूज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ब्लैंक्स होती हैं। आप इनको जरूर फॉलो करा करें 100% आपका, क्योंकि हर चैप्टर के अकॉर्डिंग आपका जो है वो एमसीक्यूज बनकर आ रहा होता है। तो ये तमाम ब्लैंक्स आपकी टेक्स्ट बुक से उठाई गई हैं, ठीक है जी। तो आपने इनको फॉलो करना है। तो मैंने क्या किया है, जो जो मैंने आपको लोगों को एमसीक्यूज दिए, देखिए पहले मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस मॉडल पेपर दिया, सॉल्व मॉडल पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और कहा कि आप इसके न्यूमेरिकल एमसीक्यूज करें। बेसिकली प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स में जो एमसीक्यूज होते हैं पूरी बुक के होल होते हैं, और ब्लैंक्स जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक की थी। तो आपने क्या करना है, उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने एक ही पीडीएफ वहां से स्क्रीनशॉट लेके प्रिपेयर कर दिया है, ताकि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ आप इसी पीडीएफ की तैयारी बहुत अच्छी से करें, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। वॉइस ओवर नहीं दे रही, जैसे मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश इन 1906, ठीक है, मुस्लिम लीग का क्याम जो है 1906 में हुआ था। तो आप इस तरह, मैं इतना टाइम मेरे पास अभी नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 मिनट का लेक्चर बनाऊंगी, आपने पूरा देखना। तो ये तमाम ब्लैंक्स देखे, ये आप लोगों की वही ब्लैंक्स है जो कि टेक्स्ट बुक में मैंने आप लोगों को सॉल्व नोट्स दिए थे पीएसटी के पाकिस्तान स्टडीज के, तो वहां से मैंने उनके चैप्टर वाइज जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और उनको मर्ज कर कर एक जगह पे मैंने आप लोगों को कर दिया है। तो ये तमाम चैप्टर वाइज वही चीजें, तो आप लोगों ने इनको बहुत अच्छा सा करना है, क्योंकि 110% एमसीक्यूज आपके टेक्स्ट बुक में से ही बनकर आ रहे होते हैं, इन ब्लैंक्स में से ही टेक्स्ट बुक जो एमसीक्यूज होते हैं बनकर आते हैं। टेक्स्ट बुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बच्चे टेक्स्ट बुक को हाथ ही नहीं लगाते कि मिस आप यहाँ से दे दें, मिस वहां से दे दें। तो ये देखिए बड़ा अहम आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा पीडीएफ बना दिया। आगे आ जाते हैं, ये है प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स। तो प्रैक्टिस मॉडल पेपर से भी कुछ एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए निकाले थे, आप एक नजर इनको देखें। ये तमाम सॉल्व है, सॉल्व है, ठीक है जी। आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक एक नजर इनको आपने देखना है और अपनी बड़ी अच्छी सी तैयारी कर लेनी है। तो ये 5 से 6 प्रैक्टिस मॉडल पेपर मेरे पास मौजूद थे जो मैंने आप लोगों को पहले दिए भी थे, ठीक है। तो ये वाले तमाम एमसीक्यूज आपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने कर लेने, ये देख लीजिए आप लोगों। अब आ जाते हैं उर्दू मीडियम वाले बच्चे। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख लीजिए, तो ये आप लोगों के फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन इन तमाम में राइट है, ठीक है जी। तो आप मिस करेंगे सॉल्व नहीं है, तो आपने इनको फॉलो कर लेना है तमाम एमसीक्यू उसको उर्दू मीडियम वाले। और ये देखिए प्रैक्टिस मॉडल पेपर से भी जैसे इंग्लिश में थे, वैसे ही उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए ये उर्दू में अरेंज कर दिए, ठीक है जी। तो उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो आप इन्हीं तमाम एमसीक्यूज को करें बड़ा अच्छा सा, और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। टारगेट पेपर आप लोगों को अपलोड कर दिया गया था, कोई शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में इंशाल्लाह आपका पेपर बनकर आएगा। बहुत मेहनत करें और बहुत सारी डेढ़ दुआओं के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।